नमस्कार, हम बानी जी कुमार और सब चालू कर दिल बानी निस्तक भोजपुरी देखे। दरअसल हम बात कर बनी एगो ऐसा भोजपुरी सिनेमा जौन लेखक गायक चलत चलत अब बन गल बन फिल्म हीरो, जिनकर नाम अब विजय चौहान। तो विजय चौहान के फिल्म देख रहा बानी। हाँ, एक ना दू दू तीन तीन गो हीरो उनका साथ नजर आवे वाले लोग। फिल्म का नाम बाटे दुल्हन मेरे हस्बैंड की। अरे भैया, और ही कुछ कह सकत रहा है आई और ही कुछ बताएं। फिल्म से जुड़ल का कह सकत रहा है दुल्हन मेरे हस्बैंड के फिल्म से जुड़ल सब कुछ बताएं। और फिल्म के ट्रेलर के रिलीजिंग डेट भी आएगा वो भी बताएं। चलिए वो काम करी, चैनल बनाए बनी सब्सक्राइब करी, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। बाकी संग मित्र और दौर दयाल संग भी एक शेयर कर दी। जो फिल्म का नाम बा दुल्हन मेरे हस्बैंड की। देखिए, दुल्हन मेरे हस्बैंड फिल्म के प्रथम लुक आई लवे, अचानक से ही प्रथम लुक आई लवे। और फिल्म के अब ट्रेलर के रिलीजिंग डेट भी आ गुल बा। हाँ, फिल्म के ट्रेलर के रिलीजिंग डेट भी आ गुल बा। तो सोचिए और एक्सपेक्ट करें। देखिए, अक्सर ना आगा गजल अगर अपन आप विश्वास ना रहला लोगन के तो कुछ काम ऐसा कर दिलन जौना काम के कोनो मतलब ही ना रहला। हाँ, कुछ काम ऐसा लोग कर दिलन जौना काम के मतलब ही ना रहला। और फाइनली ए फिल्म के साथ हमके कुछ ऐसा ही हो दिख रहा बा। अब रहा लोग इनका लगता वो तो कमेंट बॉक्स में बता सकें, हम ना कह सकें। देखिए, फाइनली दुल्हन मेरे हस्बैंड के फिल्म में कहानी कहा खोल भैया। सिंपल से खोल भैया कहानी भैया कि लड़का के कोनो ब्याह हो गल बटे, ओकर मेहरारू भी बिया, लेकिन जो लड़का बा कहीं और ही मुँह मराव रहा बा। मतलब भोजपुरी सिनेमा ना दूगो हीरोइन तीनगो हीरोइन चारगो हीरोइन वाला कल्चर इन लोग खत्म ना हो ना खत्म हो जाए तो इंसान बन जाते जब। मतलब एगो हीरोइन से लोग पेट ना भर रहा, जल्द दो तीन गो हीरोइन घुसैन जाना तले इन लोग पेट ना भर रहा। तो चाहे उस दिन समय रहुआ हो, कस के सारी हो, कस पौन हो, मतलब प्रॉपर तरह कैले बन जा। तब सोच रहा हन कि भाई हम नया नया बारे तो कहा है ना यार, हमारो तीन चार गो लेके तीन चार गो से प्यार के चक्कर में ना अभी का फिल्म हुई वही फिल्म के मेन कहानी होकर बट। अब रहा लेकिन सोच ही सकते हैं जब मेहरारू भी आ, और मेहरारू के बाद जब कोनो मेहरारू लिया के कोशिश करब तो का होला ई रहुआ लोगिन सोच सकते नहीं। काहे कि एगो मेहरारू के देखल ना चाहले और साथ में अपना मर्द के साथे तो और ही ना। हाँ, दूसरा के साथे भलू देख के कम्प्रोमाइज़ कर ली, लेकिन अपना मर्द के साथे तनी क्यों ना रत्ती भरना। तो फाइनल फिल्म की कहानी कुछ सुनाए हो खोल भी। अब देख बाटे कि मेरे हस्बैंड की दुल्हनिया में, मतलब दुल्हन मेरे हस्बैंड वाले में का कहानी हुई, कितना इंटरेस्टिंग हुई, इतना वो लगे ट्रेलर में दिख जाए। बाकी रिव्यू करके हम जरूर बताएं कि आखिर फिल्म के का इम्पैक्ट बाटे जमीनी स्तर पर। बाकी देखा जाए तो फिल्म के निर्माता बनी अभिषेक पांडे मोनू। हाँ, अभिषेक पांडे मोनू फिल्म के निर्माता बने। निर्माता जी के बहुत ही कमाल के सोच बाटे कि एगो हीरो के लेम ना तो गाना लिख दी, गाना गा दी, गवा दी और आसानी से म्यूजिक के काम हमार संपन्न हो जी, और आसानी से म्यूजिक में थोड़ा कम खर्चा में हमने के निपटा ली हम जा। तो बाकी इस फिल्म के मतलब निर्माता मोनू पांडे बहुत ही चलाकी के काम कैले बड़ो। बाकी फिल्म के अगर देखी तो डायरेक्टर में सुजीत कुमार सिंह बड़ो। अब सुजीत कुमार सिंह एक बार फिर से कहा कहते हैं, मैंने पहली बार ही कहते हैं, मतलब इनकरा साथ है विजय चौहान के साथ फिल्म कैले। तो विजय चौहान के एक्टिंग से कितना वो सर्टिफाई हो किए इतना फिल्म देखने के बाद पता चले। पहले ट्रेलर में कुछ अंदाजा लगा लिया जाए भाई, लगा लीजिए। बाकी सुजीत कुमार एफ फिल्म के डायरेक्ट कर रहा हूँ। बाकी फिल्म के कथा पटकथा और संवाद मनोज कुमार कुशवाहा के बाद। देखिए, मनोज कुमार कुशवाहा अगर देखल जाओ तो भोजपुरी सिनेमा के एगो मानल जान हस्ती में से एक हैं राइटिंग करे में। कहें कि पवन खेसारी के बड़का बड़का फिल्म जैसे कि दे चुकल बनी और लगातार दे भी रहल बनी अभी। तो फाइनली एक बार फिर से विजय चौहान उनकर फिल्म कर रहा हूँ। शायद इस फिल्म में कुछ इफेक्टेड कहानी देख के मिल सकला जौन अकेले के जनता में एगो अलग सोच और अलग इम्पेक्ट पड़ सकेला। फाइनली बता दी कि फिल्म में संगीत साहिल खान के बा। साहिल खान भी एगो बड़ा मतलब अच्छा म्यूजिशियन है और अच्छा अच्छा फिल्म में म्यूजिक बहुत ही दिले बने। तो ए फिल्म में वो कितना अच्छा और इम्पेक्टफुल म्यूजिक दे ये देखल अपने आप में यूनिक्स और खास होके वाला बटे। बाकी में गीत खुद विजय चौहान लिखल बड़न और अभिमन्यु लिखल बड़न। बाकी फिल्म अगर देखी तो कोरियोग्राफ प्रवीण सिलार के बाटे और ये फिल्म में स्टार कास्ट में विजय चौहान और अनारा गुप्ता जैसा स्टार कास्ट लोग ये फिल्म में दिखे वाला मान जा। तो फाइनली अब इन लोग का कहानी और इन लोग मतलब फिल्माओं को जौन भी सीन सिचुएशन बाटे उसमें कितना ढलत नजर आ जाए इस सबसे बड़का चीज़ बटे। बता दी कि विजय चौहान के जौन एक ही लुक बना ये थोड़ा सा एगो चौंकावेल बा। हर फिल्म में एक ही लुक, वह हल्का दाढ़ी आ वे मोछ मतलब वे हेयर कट्स, यार कुछ तो चेंज करो ना। बाकी बता दी कि विजय चौहान के जो फिल्म बनो फिल्म के भैया ट्रेलर एकदम से रिलीजिंग हो करवा।
बता दें कि 24 मई के फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुई और हम लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर जाके इस फिल्म में क्या बात है, और ना तो हम फिल्म का ट्रेलर देख के रिव्यू करके बतेवे करें कि आखिर फिल्म में क्या बात और कितना बढ़िया हो सकता रहा, कितना ख़राब हो सकता रहा, कितना बढ़िया भइल बा, सब कुछ बात कर लिया जाए ये वीडियो में। तो चलिए सब कुछ देखत रहें निष्ठक भोजपुरी पर बना रहें, कहीं घर एक बार छोट खबरिया पर आएगा हमार नजरिया, बाकी हम जीत सलाम।